हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपके लिए एक जो क्राफ्ट लेकर आए हैं उसमें हम यूज़ करने वाले हैं ये एग ट्रे। अगर आप लोग एग ट्रे का यूज़ नहीं कर सकते हैं तो आप कोई भी वेस्ट कार्डबोर्ड या न्यूज़पेपर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस एग ट्रे के छोटे छोटे पीस करके ओवरनाइट के लिए इसे इस तरीके के बकेट में सोक करने के लिए छोड़ देना है। मॉर्निंग में आपको इसके एक्स्ट्रा वाटर को हटा देना है अच्छे से, और फिर उसके बाद आपको एक ग्राइंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ग्राइंड कर देना है। ट्राई करना है इसमें कोई लम्स ना रहें। उसके बाद इसमें आपको वॉल पुट्टी ऐड करना है, ग्लू ऐड करना है और एक सॉफ्ट सा डो बनाकर जो भी सरफेस आपको चाहिए हो, जैसा भी आपको शेप चाहिए हो, उस सरफेस पर इसे स्प्रेड कर देना है। ऑयलिंग में कंजूसी ना करें बस, और इसको हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। जितने भी शेप चाहिए हो, जैसे भी शेप चाहिए हो, आप वैसा बनाकर इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। और जब आप देखेंगे, जब ये ड्राई हो जाता है तो बड़े आराम से ये ट्रे में से निकलकर आ जाएगा। और बस इसके ऊपर आप अपने पसंद की या जो हमने बनाई है वैसी कोई पेंटिंग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि स्केच आपसे नहीं बनेगा तो आप किसी फोटो कॉपी का भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसको कलरिंग आप खुद कर लीजिए, आप किसी कलर्ड प्रिंटआउट का यूज़ ना करें। इसको हम फटाफट से कलर कर देंगे। जैसो का बेस देना नहीं भूलना है। बस हमने इसको कलर करने से पहले स्केच इस पे बना लिया था। जैसो अप्लाई करने के बाद स्केच तो थोड़ा बहुत विजिबल था, उसी पर हमने दोबारा से इसको ट्रेस कर लिया है। ब्राइट से कलर से हम इसे कलर कर देंगे। हमने बहुत सिंपल सा ये पेंटिंग यूज़ किया है। ये दिखने में हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, पर जब आप इसे बनाएंगे तब ये आपको बहुत ईजी लगेगी, क्योंकि ड्राइंग करना हमें भी नहीं आता है, ड्राइंग हमारी भी अच्छी नहीं है, इसीलिए हमने एक बहुत इजी पेंटिंग चूज़ की थी। इस तरीके से आप इसे फटाफट से कलर करते हुए जाइए। इसकी कलरिंग भी बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा शेडिंग नहीं थी। बस हमने सारे वाइब्रेंट से कलर, ब्राइट से कलर यूज़ किए हैं। इस पेंटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ भी हो गई थी, बट थैंकफुली हम लोग एक्रेलिक कलर्स का यूज़ कर रहे हैं तो करेक्शन भी बहुत इजीली हो भी गया था। इसकी जो माइन्यूट डिटेल्स थे उसके लिए हमने जो पतला वाला मार्कर होता है उसका यूज़ किया था, ताकि ये पेंटिंग गड़बड़ ना हो जाए। अब ये पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं अपनी बाकी की जो छोटी छोटी सी ट्रे थी उनकी तरफ, और उनके लिए भी हमने ऐसे ही दो इजी से स्केच यूज़ कर रखे हैं, पर वो जो ट्रेज हैं वो बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस की नहीं है, तो हमने सोचा था कि हम इस तरीके की एक वाइट शीट पर पहले मधुबनी पेंटिंग करेंगे, उसको
एक्रेलिक कलर्स की हेल्प से ही कलर करेंगे और फिर हम उन्हें ऐसे ही डायरेक्टली उन ट्रे के ऊपर उन्हें पेस्ट कर देंगे। बस इसके लिए भी हमने बहुत इजी सा पिक्चर यूज किया है, ये बहुत जल्दी बन भी गया था। अब जब तक ये सूख रहा है तब तक हम दूसरा ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरे में हमने एक बर्ड ड्रॉ की है, वो भी बहुत सिंपल सी है। आप चाहें तो स्केच पेन का यूज भी कर सकते हैं इस समय। और बस अब जब ये बनकर रेडी हो जाएंगी तो हम इन्हें ग्लू की हेल्प से अपनी ट्रे पे ट्रे की साइज के हिसाब से कट करने के बाद उन्हें पेस्ट कर देंगे। फटाफट से बन गई हैं। डिटेलिंग हमने एक मार्कर से कर दी है और ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही थी। ये देखिए इस तरीके से हमने बैक साइड पे ग्लू लगाकर इन्हें पेस्ट कर लिया है। और ये देखिए इसका फाइनल लुक। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर